जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। हमारे घर की नकारात्मकता हमारे जीवन पर बहुत गंदा असर देती है। देखिए ना, अगर घर के अंदर हम कोई गली सड़ी चीज़ लाकर रख दें तो वो थोड़े दिनों के अंदर एक अजीब सी बदबू मारने लगती है। उसकी वजह से उस चीज़ के इर्द गिर्द छोटे मोटे कीट कीटाणु आने लगते हैं और वो उस जगह को भी इतना ज़्यादा दूषित कर देती है कि वहाँ पर अजीब सा चिपचिपा चिपचिपा सा कुछ पदार्थ हो जाता है। वो जगह इतनी गंदी हो जाती है कि उसका रंग बदल जाता है। नकारात्मकता ऐसी ही होती है, जब ये घर के अंदर प्रवेश करती है और घर के अंदर प्रवेश करके ये जब खराब होने लगती है, मतलब इसकी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ने लगती है, तब ये अजीब सी स्मेल घर के अंदर बना देती है। घर में छोटे छोटे कीटाणुओं का आना चालू हो जाता है। घर में मच्छर मक्खी कीड़े मकौड़े ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाते हैं और ऐसी स्थिति में आपके घर में एक और चीज़ होना चालू हो जाता है जिसे हम कहते हैं सीलन। पानी जगह जगह से आपके घर के अंदर सीलन करना चालू कर देता है और आपने अक्सर देखा होगा जहाँ पर सीलन होती है ना, वो जगह फूलती है। उस जगह के अंदर परत जो होती है पेंट की, वो अपने आप ऐसे ऊपर की तरफ उभर कर आ जाती है, उसके बीच में क्रैक्स पड़ जाते हैं। जानते हैं ये सब किन चीज़ों के कारण होता है, इसका किस ग्रह के साथ रिश्ता होता है? इसका सिंपल रिश्ता होता है आपके राहु ग्रह के साथ। जब राहु घर के वास्तु शास्त्र के अंदर अपना पैर रख देता है, जब घर का वास्तु आपकी कुंडली के साथ मैच करके आपके राहु को एक्टिव कर देता है और आपका राहु आपके घर के वास्तु शास्त्र को ऐसे ऐसे टर्न करने लगता है, तब आपको ये सारे के सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। राहु एक शरीर है जो केवल सिर के रूप में है और इसका जो धड़ है ना, इसका दूसरा नाम है केतु। तो एक और चीज़ हमारे घर के अंदर होती है जिसे हम कहते हैं दीमक। पता है ना आपको, लकड़ियों में सबसे पहले ये दीमक लगती है। आपको पता है लकड़ी कीड़े मकौड़े इन सब का किससे संबंध होता है? इन सब का संबंध होता है आपके बुध ग्रह से। तो जब आपके घर के अंदर दीमक काम करना चालू करती है, यानी कि जब आपकी ये सारी चीज़ें खराब होने लगती हैं, तो सबसे पहला इफ़ेक्ट किस पर आता है? आपके घर की बहन बेटी के ऊपर। बहन बेटी का स्वास्थ्य खराब होने लगता है, उनके पारिवारिक रिश्तों में कलह होना चालू हो जाता है, उनका आपके साथ संबंध खराब होना स्टार्ट हो जाता है। आपके घर की बहन बेटी किसी ना किसी स्थिति परिस्थिति में दुखी रहना चालू कर देती है। अब आपने ये तो जान लिया कि ये जो लकड़ी है इसका संबंध बुध से है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसमें लगने वाली दीमक का संबंध केतु से होता है? और जो छोटे छोटे सूक्ष्म कीटाणु होते हैं ना, इनको भी हम एक तरीके से बुध के साथ ही काउंट करते हैं। कुछ लोगों का अपना अलग अलग जोड़ तोड़ होता है, लेकिन जब वास्तु के साथ हम कुंडली को एक साथ करेंगे तो यहाँ पर ग्रह आपको इन चीज़ों का असर देंगे। आपका जब ग्रह खराब होगा तो वो आपको खराब होने के साथ आपके घर में, आपकी कुंडली में, आपके जीवन में, आपकी बॉडी में, आपके घर के सदस्य जो है ना, उनके जीवन में, उनकी पारिवारिक स्थितियों में आपको अपने खराब ग्रह की सारी सिम्टम्स नज़र आने लगेंगे और तब आपको समझ जाना होगा, संभल जाना होगा कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एक और चीज़ बताती हूँ आपको, जब भी घर के अंदर राहु और केतु का बहुत प्रभाव बढ़ जाता है, जानते हैं सबसे बुरी चीज़ क्या होती है? उस घर के अंदर पूजा पाठ पूरा ख़त्म हो जाता है, वहाँ पर धर्म टिक ही नहीं पाता। ऐसे घरों में सबसे ज़्यादा जिसकी एंट्री होती है, वो जानते हैं क्या चीज़ होती है? तंत्र मंत्र,
भूत प्रेत इन सब चीज़ों का आपके घर के अंदर वास होने लगता है। अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट करी होगी, जहाँ पर भी ऐसी तांत्रिक चीज़ें या ऐसी नकारात्मक चीज़ें होती हैं ना, कभी भी नोट करके देखिए, वहाँ मकड़ियाँ आपको बहुत मिलेंगी, वहाँ आपको सूक्ष्म कीटाणु बहुत मिलेंगे, वहाँ पर आपको गंदगी बहुत मिलेगी। वो ऐसी जगह होंगी जहाँ पर सालों से किसी ने पैर नहीं रखा होगा, साफ सफाई नहीं की होगी। राहु के कुछ और नकारात्मक प्रभाव आपके वास्तु शास्त्र में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेहत गिरती है, आपको बड़े बड़े असाध्य रोग होते हैं, आपके घर में हमेशा कलह बना रहता है, और सबसे जो नेगेटिव चीज़ होती है वो जानते हैं क्या, उस घर के अंदर वीराना आने लगता है, यानी कि उस घर के अंदर लोग या तो घर छोड़कर चले जाते हैं या उनके रिश्तों में एक दूरियां आ जाती हैं। ऐसे घरों में अक्सर डाइवोर्स के केसेस या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है। चलिए मैं आपको आपके घर के कुछ अलग अलग हिस्सों में राहु कैसे वास्तु के अनुसार आपको सिम्टम्स बताता है ये बताने चाह रही हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये तो बताऊँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। अगर आपको रसोई घर के अंदर राहु का दुष्परिणाम दिखाई देगा ना, तो आपका डस्टबिन हमेशा गंदा रहेगा। आपके डस्टबिन के आसपास आपको हमेशा गंदगी मिलेगी ही मिलेगी। आपके घर के अंदर जूते चप्पल हमेशा उल्टी सीधी स्थितियों में पड़े रहेंगे। आपकी किचन में रखा जाने वाला मसाला, उसके अंदर सूक्ष्म कीटाणु जरूर लग जाएगा। अगर आपके बाथरूम से राहु प्रवेश कर रहा है तो आपका बाथरूम हमेशा गंदा रहेगा, जिसे आपको हमेशा साफ रखने की जरूरत है। मत करने दीजिए प्रवेश, बाहर ही रहने दीजिए, इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। आपके बाथरूम में हमेशा टाइल्स के बीच में दरारें रहेंगी और वहाँ से छोटे छोटे कभी कभी कीटाणु निकलते रहेंगे। झिंगुर हो गया, छोटे छोटे कॉकरोचेज हो गए, ये अगर बहुत ज़्यादा आपके घर में निकलते हैं, तुरंत प्रभाव से इनको रोकने के लिए आप कार्य करना आरंभ कर दीजिए। पानी की लीकेज हमेशा बनी रहेगी, पानी हमेशा बहता रहेगा। अगर राहु आपके ड्राइंग रूम के अंदर से प्रवेश कर रहा है, तो आपके ड्राइंग रूम में हमेशा दीवार जो है ना, उस पर दरारें आएंगी। आपके ड्राइंग रूम में जो आपका पेंट है वो हमेशा उखड़ता रहेगा। आपके ड्राइंग रूम में चीज़ें हमेशा बेतरतीब पड़ी रहेंगी। आपके घर में आने वाले लोग हमेशा आपसे चिढ़ेंगे, ईर्ष्या करेंगे, और आपके साथ अच्छी बातें कभी करके नहीं जाएंगे, आपका मन हमेशा दुखी करके जाएंगे। ऐसी कंडीशन में कपूर अपने ड्राइंग रूम में नित नियम से जलाना चालू कर दीजिए। अपने ड्राइंग रूम के अंदर आपको हमेशा सुगंधित चीज़ों को बनाए रखना है, या तो आप बिल्कुल ओरिजिनल फ्लावर्स अगर रख सकते हैं तो वो रखिए, नहीं तो आप आर्टिफिशियल या ड्राइड फ्लावर्स को आप थोड़ा सा परफ्यूम करके ज़रूर रख दीजिए। अगर आपकी किचन से राहु प्रवेश कर रहा है, तो आपको एक खुले बाउल के अंदर, कांच के बाउल के अंदर सेंधा नमक अपनी किचन के अंदर ज़रूर रख देना चाहिए। दो और जगह होती है जहाँ से राहु आपके घर में प्रवेश कर सकता है। एक होता है आपका स्टोर रूम, जिसके अंदर हम सारा पुराना सामान भर कर रख देते हैं, रद्दी हो गई, पुराना कबाड़ा हो गया, टूट फूट का सामान हो गया। आप ऐसी जगह पर एक तो रोशनी ज़रूर रखिए, ऐसी जगह पर आपको कभी भी जाले नहीं बनने देना है, और अमावस या आप किसी अच्छी तिथि पर यहाँ पर नमक के पोचे ज़रूर लगा दीजिए। एक और विशेष जगह होती है जहाँ से आपके घर के अंदर राहु का प्रवेश होता है, और वो होता है आपके घर की खिड़की और दरवाज़े। इसीलिए आपको अपनी खिड़की और दरवाज़ों की चौखट हमेशा साफ़ सुथरी रखनी चाहिए।
इस पर हमेशा आपको पेंट अच्छे से करके रखना चाहिए। ये टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, इनके बीच में गैप्स नहीं होने चाहिए। मैं आपको बहुत सारे उपाय देती हूँ जिससे आप अपने घर को इस तरीके से शुद्ध करिए। आपके मुख्य द्वार पर ये लगाइए, आपके मुख्य द्वार को इस तरीके से पवित्र करिए। आज समझ में आया उसका रीज़न क्या होता है? राहु सबसे ज़्यादा इन्हीं जगहों से निकल कर आता है, तो आप पहले ही उसके आने से पहले वहीं पे स्टॉप का बटन लगा दीजिए, ताकि राहु आपके घर में घुसकर आपको, आपके परिवार के किसी भी सदस्य को परेशान ना कर पाए। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए प्रॉमिस करिए, मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यहीं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।